चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर। पूरे सर्किट के अंदर जो भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, उस रेट को हम इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। लेट मी रिपीट द स्टेटमेंट वंस अगेन। पूरे सर्किट में, पूरे के पूरे किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट कर रही होंगी। शायद मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होंगी या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्रिएट कर रही होंगी। वो किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रही है उसको हम पावर कह सकते हैं। इसी तरह से सर्किट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे लगे होंगे जो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खा रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे। तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की पर यूनिट टाइम, उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कह देंगे। फेयर इनफ। जो कोई लोग एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे होंगे, उनको हम सोर्स कहेंगे बड़ा, उनको हम सोर्स कहेंगे। और वह ज़रूर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे। ज़रूर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे होंगे या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे होंगे या किसी थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे होंगे, किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इसी तरह से कोई ना कोई उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा। जो कोई कंज्यूम कर रहा होगा उस कंज्यूम करने वाले को हम लोड कहेंगे। तो जो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहा होगा उसे सोर्स, जो यूज कर रहा होगा उसे हम लोड। फेयर इनफ। जिस रेट से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई है, क्रिएट की है, या आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है, उस रेट को हम बड़ा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। सो इट इज सिंपली, एक तरह से अगर कहूँ थोड़ा, पावर इज सिंपली कितनी एनर्जी क्रिएट की या फिर बड़ा कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की पर यूनिट टाइम, बड़ा ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। ऑफ कोर्स यूनिट विल बी जूल पर सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज वाट, SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज वाट। और रही बात बड़ा डायमेंशन की, तो ऊपर एनर्जी है उसके डायमेंशन तो ML2T-2, नीचे बड़ा एक T और है उससे डिवाइड किया तो ML2T-3। जैसे बड़ा सिंपल पावर होता है, जैसे उसकी यूनिट्स होती हैं, वैसे यूनिट्स हमारे इलेक्ट्रिकल पावर की है बेटा, वैसे हमारे इसकी डायमेंशन भी है। चलिए बेटा, अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि यार सोर्स क्या है और लोड क्या है। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं सोर्स। जैसे मैंने कहा कि सर्किट के अंदर बड़ा सोर्स वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। लेकिन सर आपने तो एक बार बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बेटा मैंने ये नहीं कहा कि एनर्जी क्रिएट कर दी है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर दी है, तो जरूर किसी और फॉर्म की एनर्जी खाई होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर दी होगी। जैसे सोलर सेल्स क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी खाते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जैसे अपने बेटा पेंसिल सेल जो रिमोट वगैरह में लगते हैं बेटा, वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, फेयर इनफ। तो इस तरह से हमारे पास कोई ना कोई अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर हमारा जो सोर्स होगा वो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो क्रिएट करेगा। सो यू कैन से दैट कि सोर्स कन्वर्ट्स some form of energy into electrical energy। Fair enough। जैसे मैंने कहा कि बेटा light energy या solar energy है, उसको अगर electrical energy में convert करना हो तो किसका काम होता है, तो आप कह सकते हो कि सर solar cells का काम होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि केमिकल एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो, तो आप कहोगे सर इसके लिए हमारे पास केमिकल सेल्स है, बड़ा बैटरीज बोल सकते हो, इवन जनरेटर भी कह सकते हो। ठीक, तो किस फॉर्म से एनर्जी आप चेंज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर हम इसका पावर कैसे निकाल सकते हैं, बेटा इसका पावर कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो सुनिएगा, मान लीजिए कि
कि आपके पास इस डब्बे के अंदर बंद कोई सोर्स है, कोई सोर्स है जो इस डब्बे के अंदर बंद है, इसमें करंट आ रहा है बेटा, मान लीजिए ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, ऐसे दिस इज करंट, दिस इज करंट। कोई डी क्यू चार्ज एंटर करता है यहां पर और वही डी क्यू चार्ज यहां से एग्जिट करता है, एंटर करता है टी इज इक्वल्स टू जीरो पर और एग्जिट करता है टाइम टी इज इक्वल्स टू डी टी पर। तो ये जो सोर्स है ये ऑफ कोर्स इस डी क्यू चार्ज की एनर्जी बढ़ाएगा, तो पक्की बात है कि इस डी क्यू चार्ज के पास एंटर करते वक्त एनर्जी कम होनी चाहिए और एग्जिट करते वक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर होना चाहिए लोअर पोटेंशियल, यहां पर होना चाहिए हायर पोटेंशियल। आराम सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। लोअर पोटेंशियल को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, हायर पोटेंशियल को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि यहां पर पोटेंशियल है जीरो और इस एंड पर पोटेंशियल है वी, मतलब सोर्स में यहां पर पोटेंशियल है जीरो और यहां पर पोटेंशियल है वी। तो जब ये डी क्यू चार्ज एंटर कर रहा होगा तो इसके पास इनिशियल एनर्जी होगी। आई रियली होप बेटा एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होगा, दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। चार्ज है डी क्यू, पोटेंशियल है जीरो, सो इनिशियल एनर्जी इज जीरो। बाद में जब यही चार्ज यहां से बाहर निकला तो मेरे पास हो गया चार्ज है डी क्यू मल्टीप्लाइड बाय यहां पर पोटेंशियल, बड़ा पोटेंशियल है वी। तो जाते वक्त एनर्जी है डी क्यू इंटू वी। तो ऑफकोर्स बड़ा एनर्जी तो बड़ी है, मैं आपसे पूछूं कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बड़ी है, तो आप कह सकते हो कि इस डी क्यू चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज तो हुई है लेकिन सर किस कारण से हुई है, वो इस सोर्स की जिम्मेदारी है। इसने जरूर या तो कोई बड़ा सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया होगा इलेक्ट्रिकल के अंदर, या किसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया होगा इसके अंदर, या किसी मैकेनिकल कन्वर्ट किया होगा इलेक्ट्रिकल के अंदर। आई डोंट केयर, आई जस्ट केयर दैट कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ी है। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ी है दिस माइनस दिस, तो दैट इज डी क्यू इंटू वी। मैं आपसे पूछूं कि पावर कितना होगा सोर्स का, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर पावर ऑफ सोर्सेस कितनी एनर्जी बढ़ी है डिवाइड बाय कितना समय लिया है, ये एनर्जी बढ़ाने में कितना समय लिया है। तो आप कहोगे सर डीटी समय लिया है, डीक्यू चार्ज यहां से यहां निकले उसमें डीटी समय लगा है, तो डिवाइड बाय डीटी, दैट इज डीक्यू अपॉन डीटी इनटू वी। इस डीक्यू अपॉन डीटी को हम पहचानते हैं, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पहचानते हैं, यही तो हमारा करंट है। तो अगर आपको किसी भी सोर्स का पावर जानना है तो उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट, इतनी सी बात। अच्छा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बार बार काम आएगा और बहुत ही स्टैंडर्ड है, ठीक है, बार बार काम आएगा, याद रहना चाहिए। वैसे याद हो ही जाएगा क्योंकि हर दूसरे सवाल के अंदर बड़ा मोर ऑर लेस ये फॉर्मूला लगता रहता है, सो ये याद तो हो जाएगा, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। बट स्टिल मैं लिख देता हूं साइड में, यू हैव टू रिमेंबर इट। तो यहां से सोर्स के बारे में हम दो बातें सीखे खास तौर से, मैं उन दोनों बातों को एक बार रिपीट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों ने इन बातों को खुद भी ऑब्जर्व कर लिया होगा। पहला ये कि सोर्स में जो करंट है, सोर्स में जो करंट है वो लोअर पोटेंशियल पे एंटर करेगा और हायर पोटेंशियल पे एग्जिट करेगा। चेक करना, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, करंट एंटर कर रहा है लोअर पोटेंशियल पे और करंट एग्जिट कर रहा है हायर पोटेंशियल पे। तो आप कह सकते हैं कि इन सोर्स करंट एंटर्स एट लो पोटेंशियल एंड एग्जिट्स एट हाई पोटेंशियल, एट हाई पोटेंशियल। पहली बात तो ये, दूसरी बात मैं बता चुका हूं कि जो भी पावर होगा उसका फॉर्मूला होगा कि जो भी सोर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाइड बाय करंट। ये सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है आपको, इतनी काफी हमारे लिए ना, फेयर एनफ। आगे चलिए, नेक्स्ट इज, जैसा सोर्स है बड़ा वैसे ही एक टर्म हम और डिफाइन करेंगे, दैट इज लोड। लोड का काम एग्जैक्टली अपोजिट है। सर्किट के अंदर जो लोड होगा
वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो डिस्कस करते हैं लोड। ऑफ कोर्स लोड कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सम अदर फॉर्म, सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस बार बड़ा उल्टा हो गया है। इस बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो तो कंज्यूम हो रही है और कोई अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट हो रही है। सर कौन सी अदर फॉर्म? देखिए ये तो डिपेंड करता है कि है ना किसकी बात कर रहे हो। जैसे फैन है हमारा, वो अपने आप में एक लोड है। किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो फैन है वो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रीडोमिनेंटली मोस्टली अपनी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अगर मान लीजिए किसी सर्किट के अंदर हीटर लगा रखा है तो वो हीटर क्या करेगा? हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा प्रीडोमिनेंटली हीट के अंदर। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत बड़ा हीटर जो है वो लाइट में भी कन्वर्ट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टाइप का हीटर है। बड़ा कहीं कोयल वाले आते हैं तो ऑफ कोर्स थोड़े रेड ग्लो भी करते हैं। सो प्रीडोमिनेंटली वो हीट के अंदर कन्वर्ट करेगा, थोड़ी बहुत लाइट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता है। मैं अगर बात करूं बेटा अपने CFL की, ट्यूबलाइट की, तो आप कहोगे सर इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स मोस्टली इनटू लाइट एनर्जी। हल्के फुल्के वो गर्म भी होते तो आप कह सकते हो कि सर थोड़ा बहुत ही हीट के अंदर भी कन्वर्ट करता है। आई होप दैट्स ओके। सो लोड हमारे पास इस तरह से बहुत सारे हैं और ये सारे लोड्स क्या करते हैं, सारे के सारे जो लोड्स हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से किसी और फॉर्म के अंदर उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। फैन करेगा कन्वर्ट बड़ा क्या काइनेटिक एनर्जी के अंदर या मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, जैसे बोलना चाहो वैसे बोल दो। CFL या ट्यूबलाइट करेगा लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी के अंदर। हीटर यूज करेगा मोस्टली हीट के अंदर, वगैरह वगैरह। सो अगर आप मुझसे पूछो कि लोड के एग्जांपल्स क्या है, आई कुड से कि एग्जांपल्स आर फैन, हीटर, ट्यूबलाइट, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन। सो आई होप दैट्स ओके। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लूँ कि अपनी वॉल क्लॉक जो है, दीवार घड़ी है, दीवार घड़ी के अंदर जो पेंसिल सेल्स लगे हैं वो तो केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज पेंसिल सेल्स आर ऑफ कोर्स योर सोर्स। उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो घड़ी है वो कंज्यूम कर रही है और वो कंज्यूम करके मोस्टली उसके जो बड़ा क्या कहते हैं जो हैंड्स हैं उनके मूवमेंट में कन्वर्ट कर रही है। तो इट इज़ कन्वर्टिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मोस्टली काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज़ बिहेविंग लाइक ए लोड। सो सेल्स हैं वो आपके सोर्स हो गए और आपके जो घड़ी है वो एक तरह से लोड हो गए। अच्छा एक बात और, जैसे कुछ रिचार्जेबल सेल्स भी होते हैं, आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, हमारे कई कैमराज वगैरह के अंदर भी इस तरह के रिचार्जेबल सेल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो रिचार्जेबल सेल्स को जब हम कैमरा में लगा देंगे उस टाइम पर तो वो जो सेल है वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैमरे की फंक्शनलिटीज़ हैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अपने फंक्शन के हिसाब से यूज़ कर रही है। तो जो सोर्स है वो हमारा सेल है, वो ऑफकोर्स केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जब उसी सेल को हम बाहर निकाल लें और चार्ज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। वही सेल अब सर्किट के अंदर लगा हुआ है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और उसको केमिकल एनर्जी में वापस से कन्वर्ट कर रहा है। तो जो रिचार्जेबल सेल्स हैं वो सोर्स और लोड दोनों की तरह काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो चार्ज कर रहे हैं या उनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। इवन हमारे फ़ोन की जो बैटरी है, ये सोर्स और लोड दोनों की तरह काम कर रही है। अगर हम फ़ोन को चार्ज नहीं कर रहे, फ़ोन सिंपल फंक्शन कर रहा है, तो उस केस में तो हमारे फ़ोन की जो बैटरी है वो सोर्स की तरह काम कर रही है और जो भी फ़ोन का जो सर्किट है वो ऑफ कोर्स लोड की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब हम फ़ोन को चार्ज कर रहे होते हैं तो वही बैटरी अगेन प्रीडोमिनेंटली चार्ज ही हो रही होती है, तो उस टाइम सारे के सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रही हो रही होती है, अपनी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रही होती है। तो जो भी रिचार्जेबल बैटरीज और रिचार्जेबल सेल्स हैं वो सोर्स और लोड की तरह दोनों की तरह काम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। बट ठीक है, इतने की ज़रूरत नहीं थी इतनी बातों की, तो बट स्टिल ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपको इतनी सारी बातें बोली हैं। आई होप दैट्स ओके। चलिए मान लीजिए कि इस डब्बे के अंदर
कोई लोड बंद है, बड़ा कोई लोड बंद है, कोई लोड बंद, फेयर एनफ, लोड बंद है, मान लीजिए पंखा बंद है, बड़ा मान लीजिए पंखा है, बड़ा हीटर है, कुछ भी है, यहां से मान लीजिए कोई चार्ज आ रहा है डी क्यू, चार्ज आ रहा है डी क्यू, डी क्यू जब एंटर किया तब टाइम था टी इज इक्वल्स टू जीरो, और जब डी क्यू यहां से एग्जिट किया तब टाइम है लेट से डी टी, तब लेट से टाइम है डी टी, फेयर एनफ। जब चार्ज एंटर किया होगा तो जरूर चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा रही होगी, और जब चार्ज इस लोड के थ्रू गुजर गया तब जरूर उस चार्ज के पास एनर्जी कम रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम रही होगी। सर ये एनर्जी ले कौन गया? ऑफ कोर्स ये एनर्जी आपका लोड ले गया होगा। जैसे अगर किसी फैन के अंदर से कोई चार्ज पार्टिकल अगर निकलेगा तो फैन जो होगा उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को चूस लेगा, खींच लेगा, और उसकी एनर्जी को, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो डी क्यू चार्ज जब एंटर कर रहा होगा तो जरूर एनर्जी ज्यादा रही होगी, तो मैं यहां पर हायर पोटेंशियल मान रहा हूं और यहां पर लोअर पोटेंशियल मान रहा हूं, यहां पर मैं पोटेंशियल मान रहा हूं वी और यहां मैं पोटेंशियल मान रहा हूं जीरो। तो चार्ज जब एंटर कर रहा है तब उसके पास इनिशियली अच्छी खासी एनर्जी है, और वो एनर्जी है डी क्यू इंटू यहां का पोटेंशियल वी, और जब यही चार्ज यहां से एग्जिट कर रहा है तो उसके पास फाइनली एनर्जी है डी क्यू इंटू जी। मैं आपसे कहूं कि इस चार्ज ने अपनी एनर्जी कितनी लॉस की, तो आप कहोगे सर इसने एनर्जी लॉस की है दिस माइनस दिस। जो इस चार्ज ने एनर्जी लॉस की है वो आखिर कहां गई? तो आप बोलोगे सर इसको तो सिर्फ और सिर्फ लोड ले जा सकता है, जो यहां पर फैन लगा होगा, हीटर लगा हो, उसने जरूर इस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी खींच ली होगी, और अगर उसने एनर्जी खींच ली होगी उसी एनर्जी को उसने कन्वर्ट कर दिया होगा किसके अंदर, उसकी जरूरत के हिसाब से। फैन है तो मैकेनिकल में, हीटर है तो हीट में, CFL या ट्यूबलाइट है तो लाइट में, डिपेंडिंग ऑन। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय लोड, लोड ने आखिर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है? तो आप कहोगे सर दिस माइनस दिस, आई थिंक दैट इज डी क्यू इन टू वी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है लोड ने। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज पावर ऑफ लोड, तो मेरे बच्चे मुझे कहेंगे सर पावर ऑफ लोड इज कितनी एनर्जी कंज्यूम की है डिवाइड बाय ये एनर्जी कंज्यूम करने में कितना समय लगा है। तो दैट विल बी डी क्यू इंटू वी अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इज आई, सो फॉर्मूला अगेन कम्स आउट विद वी इंटू आई। अच्छी बात यह है कि चाहे आपका सोर्स हो चाहे लोड हो, दोनों ही केस में पावर का फॉर्मूला सेम आया है, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज मतलब बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई विद करंट। बस ये इस बार रेट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंज्यूम होने की, और सोर्स वाले केस में यही रेट थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के क्रिएट होने की। आई होप इट विल वर्क, अगेन यू हैव टू रिमेंबर इट। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि लोड के अंदर ना करंट ऐसे है, करंट इज एंटरिंग एट हायर पोटेंशियल एंड एग्जिटिंग एट लोअर पोटेंशियल। करंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है और लोअर पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा है। सोर्स में बिल्कुल उल्टा था, लोअर पोटेंशियल पे एंटर कर रहा था और हायर पोटेंशियल पे एग्जिट कर रहा था। तो आप कह सकते हो कि लोड इन, लोड करंट एंटर्स एट हायर पोटेंशियल एंड एग्जिट्स एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। यही चेंज था, बाकी पावर का फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम ही था, पावर के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही चेंज है। आई होप इट विल वर्क। आगे चलते, आगे चलते, नेक्स्ट। हमने अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि किसी तार के पास रेजिस्टेंस होता है, उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। तो हमने सर्किट में अभी तक सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही सीखा है, तो अगर हम पावर की बात कर सकते हैं तो फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के अंदर ही कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इन
रेजिस्टर या रेजिस्टेंस कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर ऐसे कोई रेजिस्टेंस बंद है, ऐसे रेजिस्टेंस बंद है, रेजिस्टेंस इज लेट से आर, लेट से करंट यूं जा रहा है आई। रेजिस्टेंस में हमें पता है कि करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो पक्की बात है कि करंट अगर ऐसे है तो ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, अगर ये जीरो तो ये वी। हालांकि मेरे बच्चे शायद वी की वैल्यू भी जानते हैं कि सर रेजिस्टेंस के अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई इन टू आर, तो यहां पर पोटेंशियल आई इन टू आर। गौर करना, करंट इज एंटरिंग एट हायर पोटेंशियल एंड एग्जिटिंग एट लोअर पोटेंशियल। इफ करंट इज एंटरिंग एट हायर पोटेंशियल एंड एग्जिटिंग एट लोअर पोटेंशियल, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट रजिस्टर इज एक्टिंग लाइक ए लोड। रजिस्टर कभी भी सोर्स की तरह काम नहीं करेगा, रजिस्टर हमेशा लोड की तरह काम करेगा। व्हेन आई से लोड की तरह काम करेगा, आई मीन दैट कि ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा और किसी और फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा, मोस्टली अपनी हीट की फॉर्म में एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि रजिस्टर विल ऑलवेज एक्ट लाइक लोड, हमेशा 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 लोड की तरह काम करेगा, कभी भी सोर्स की तरह काम नहीं करेगा। व्हेन आई से हमेशा लोड की तरह काम करेगा, आई मीन दैट इट विल consumes electrical energy and converts into light or heat or some other form. अक्सर हम इसे heat बोल देंगे। अगर मान लो कोई resistor ऐसा हो जो glow कर सकता है वगैरह, तो हम उसे light भी कह सकते हैं। जैसे bulb के filaments वगैरह होते हैं वो glow भी करते हैं, तो उस case में light भी हो सकती है। Otherwise mostly सवालों के अंदर अपन heat ही मान के चलते हैं, कोई उसमें बड़ा फर्क नहीं आएगा, वो क्वेश्चन में हमेशा में लिखा रहेगा, हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आपसे मैं पूछूं कि इसका पावर क्या है। आप बोलोगे सर आपने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला सिखाया है, वी इंटू आई, चाहे वो सोर्स हो चाहे वो लोड हो, सर फॉर्मूला एक ही सिखाया, वी इंटू आई, ऑफकोर्स वी इंटू आई सिखाया। तो इस बल्ब इस रेजिस्टेंस का पावर आएगा वी इंटू आई। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिंपली I इंटू आर मल्टीप्लाइड बाई आई, तो पावर कम्स आउट टू बी आई स्क्वायर इंटू आर, फेयर इनफ। I कैन बी रिटन एज V बाई आर, तो दैट इज V स्क्वायर बाई आर। तो बल्ब के सॉरी बल्ब नहीं रेजिस्टेंस के जो पावर के फॉर्मूले हैं वो तीन आ गए आपके पास, V into I रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस का पावर ही नहीं, हर एलिमेंट के पावर का फॉर्मूला V into I तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, बल्ब में हम V को IR भी लिख सकते हैं, इसलिए पावर का एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस में I स्क्वायर into R हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस में। और इसी तरह से बड़ा हम इस I को V by R लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला और आ गया V स्क्वायर by R। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए है, लेकिन ये V इंटू आई तो हर चीज के लिए है, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, बैटरी हो, सोर्स हो, लोड हो। ये इंडक्टर कैपेसिटर क्या है हम बाद में देख लेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं तो बता रहा हूं कि इट इज फॉर एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। लेकिन V को IR या I को V by R ऐसा तो आप सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में लिख पाओगे, तो ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए है, दिस इज ओनली फॉर रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, फेयर इनफ। अब एक बात हो, छोटी सी बात हो, इस पावर का सर अर्थ क्या है? इस पावर का अर्थ यह है
कि ये वो रेट है जिस रेट से आपका जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और हीट में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन इस रजिस्टर की फंक्शनैलिटी। सो दिस इज बेसिकली, मैं वापस से क्या लिख लिख चुका इस बात को कि इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म। आई होप इट विल वर्क। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज हीट डिसिपेटेड बाय रजिस्टर, कि रजिस्टर ने कितनी हीट डिसिपेट की, कोई मुझसे ये पूछ ले तो क्या करूं? अच्छा, ये हीट लिख दी, इस बात का मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो सारे सारे हीट में जा रही है, ये कहने का अर्थ यही है। तो आप एक काम करना, अगर आपका पावर कांस्टेंट हो तो पावर इनटू टाइम कर दो, यही तो होती है एनर्जी, पावर इनटू टाइम। तो आप कह सकते हो कि सर इट इज़ बेसिकली वी इनटू आई इनटू टी, या फिर आई स्क्वायर इनटू आर इनटू टी, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर इनटू टी। लेकिन ये सब बातें सिर्फ तब हैं जब आपका पावर कांस्टेंट हो, जब आपका पावर कांस्टेंट हो। अगर मैं कहूं कि बेटा पावर कांस्टेंट नहीं है तो हीट को आप कैसे लिखोगे, तो आप बोलो सर पावर अगर कांस्टेंट नहीं है तो पावर मल्टीप्लाइड बाय चिन्ना सा टाइम इंटरवल डीटी, तो उस चिन्ने से टाइम इंटरवल के अंदर कितनी हीट डिसिपेट हो गई, सर वो आ गई, मुझे पूरी निकालनी है, पूरी निकालनी तो जोड़ देंगे। तो आप कह सकते हो कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू आई इंटू डीटी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डीटी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डीटी। ये कब है? ये है बेटा जब आपका पावर जो है वो कांस्टेंट ना हो तो ये वाला फॉर्म लगा दो, कांस्टेंट हो तो ये वाला फॉर्म लगा दो। ये हमारा हीट आ गया। तो जब भी हीट पूछे तो आप सीधा पावर इनटू टाइम कर दिया करो, पावर कांस्टेंट है तो पूरे टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर बेटा कांस्टेंट ना हो तो पावर इनटू डीटी कर दो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तो जब भी इस तरह से हीट निकालनी हो या एनर्जी डिसिपेटेड निकालनी हो, हीट डिसिपेटेड शब्द भी यूज कर रखा होता है और एनर्जी डिसिपेटेड शब्द भी यूज कर रखा होता है। तो मैं ये एनर्जी डिसिपेटेड शब्द भी लिख देता हूं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो हीट डिसिपेटेड या फिर एनर्जी डिसिपेटेड, इनमें से कुछ भी लिखा रह सकता है, ठीक है, चलेगा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज हीट डिसिपेटेड या फिर एनर्जी डिसिपेटेड। एक बात और, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना जो आपने डिसिपेट की है या फिर ऑफ कोर्स इसकी यूनिट तो जूल होगी, इसकी यूनिट तो जूल होगी, पावर इनटू टाइम ऑफ कोर्स जूल होगी। लेकिन एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, हमारे घरों में बेटा ठीक है एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, जो भी चल रहे हैं, उनके कंजम्पशन के लिए मीटर लगा रखा होता है और वो मीटर रीडिंग्स में देता है यूनिट्स में। उसकी जो एक यूनिट होती है, उसकी जो एक यूनिट होती है, हमारे घर पे जो मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल मीटर लगा हुआ है, उसकी जो एक यूनिट होती है दैट इज बेसिकली 1 kWh। सर किलोवाट आर कैसे यूनिट है? बड़ा हो जाए कन्वर्ट, चिंता मत करो। किलोवाट मतलब 1000 watt, आर मतलब 3600 seconds, तो इट कैन बी रिटन एज 3.6 × 10⁻⁶ वॉट इनटू सेकंड इज ऑफ कोर्स जूल्स। तो एक यूनिट जो है बड़ा इलेक्ट्रिकल की, वो 3.6 × 10⁶ जूल्स के बराबर है। तो आप दो बातें सीख गए इससे, एक तो किलोवाट आर जो है ये पावर की यूनिट नहीं है, ये बेटा एनर्जी की यूनिट है, और इसको जूल में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो आप समझ गए होंगे। तो जब भी कभी हमें ये कहा जाए कि इस महीने हमारे घर की मान लीजिए कि बिजली का जो रीडिंग है वो मान लीजिए कि 50 watt आ गई, हालांकि 50 watt बहुत कम है लेकिन चलिए 50 watt आ गई, तो हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, तो आप बोल सकते हो सर 50 × 3.6 × 10⁶ जूल्स।
मान लीजिए घर में इस बार हमने 500 यूनिट्स यूज़ कर ली इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसका मतलब हमने कितनी एनर्जी यूज़ की है, तो आप कह सकते हैं सर 500 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स, इतनी एनर्जी हम लोगों ने कंज्यूम किया। हम लोगों ने मतलब हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके जितने भी लोड लगे हुए हैं, लोड कौन कौन है, एसी है, फ्रिज है, बड़ा क्या लाइटें लगी हुई हैं, हीटर हैं, जो भी हैं वो सारे के सारे आपके लोड हैं, और उन्होंने कुल मिलाकर 500 यूनिट्स अगर कंज्यूम किए तो उसका मतलब है उन्होंने 500 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स की एनर्जी को कंज्यूम किया। आई होप इट विल वर्क। आगे चलते नेक्स्ट इज हमारे इस चैप्टर में प्रीडोमिनेंटली एक ही लोड होगा, इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सिर्फ एक ही लोड होगा, कौन, रेजिस्टर। ठीक है, आगे आगे बड़ा चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो ऑफ कोर्स और भी लोड आते रहेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोड होगा और वो होगा हमारा रजिस्टर। लेकिन आपको कहोगे सर सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर सिर्फ लोड तो नहीं होना चाहिए सर, कोई ना कोई सोर्स भी होना चाहिए। हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए, और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एक ही सोर्स होगा और वो होगी बैटरी, केमिकल बैटरी या केमिकल सेल या बड़ा बैटरी कुछ भी कह दो, एंड इट विल बी कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स होगा, एंड दैट सोर्स विल बी योर बैटरी। हमें इस बैटरी के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, हालांकि इस तरह की बैटरी की फंक्शनलिटी क्या है, कैसे काम करती है, बैटरीज कैसे बनती है, किस तरह की बैटरी अच्छी होती है, उसमें किस तरह के केमिकल्स यूज करने चाहिए, उसमें किस तरह के इलेक्ट्रोड्स वगैरह यूज करने चाहिए, ये सारे के सारे हमारे कोर्स में है। लेकिन केमिस्ट्री में पूरा का पूरा एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से, उसमें एग्जैक्टली आपको सिखाया जाता है कि बैटरीज कैसे कैसे बनाते हैं, उसके पीछे की क्या केमिस्ट्री है, उसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है, लेकिन हम लोगों को उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें तो बस हल्का फुल्का इस बात का आइडिया लग जाए कि हाँ बैटरी कैसे काम करती है और वो कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हमारे लिए उतना काफ़ी है। वी डोंट हैव टू डिग मोर इनटू इट। हाँ ये ज़रूर है कि केमिकल सेल या इलेक्ट्रिकल बैटरी की पूरी कहानी अपने कोर्स में है, केमिस्ट्री में है, और अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बड़ा पढ़ भी लेना उसको। लेकिन हमारे फिजिक्स में तो सिर्फ और सिर्फ इतना कह देना कि हाँ इलेक्ट्रिकल बैटरी है और वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है, हल्का फुल्का आइडिया हो तो हमारे किसी भी सवाल में हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आई होप इट विल बी। तो सुनिएगा, बैटरी इज बेसिकली यूज्ड टू प्रोवाइड constant potential difference in a conducting wire। जैसे हम लोगों ने देखा कि conducting wire के अंदर electrons के भागने के लिए, current के भागने के लिए electric field जरूरी है, electric field के लिए potential difference जरूरी है, तो वो potential difference maintain करने की जिम्मेदारी जो होगी वो battery की होगी। तो बैटरी जो होगी वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी किसी भी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस। इट बट मोस्टली इन जनरल इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन जनरल मतलब अक्सर, सर इन जनरल क्यों लिखा रहे हो बेटा, कभी ऐसे भी तो होता है कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हो, जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हो उस टाइम पर बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है, अदरवाइज बैटरी हम मोस्टली बेटा सर्किट में एज ए सोर्स ही यूज करेंगे। तो प्रीडोमिनेंटली हम बैटरी को सोर्स ही यूज करेंगे। इट इज मोस्टली यूज्ड एज
सोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ सोर्स की तरह ही काम आएगा। ठीक, कैसे काम करती है इसका एक हल्का फुल्का केमिस्ट्री का अरेंजमेंट देख लेते हैं। हालांकि मैं फिर से बोलता हूं कि हमें बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। सुनिए,